अगर आप कप्तान होते तो आप किस पर सबसे ज्यादा बिडिंग करते? यार जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा बंदा जो फील्ड भी सही कर सकता है, जो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकता है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता है, ऑफ कोर्स प्रेफरेंस जो है वो बैट्समैन को जाती। अगर मुझे कभी भी ऑप्शन देता तो मैं डेफिनेटली किसी ना किसी बैट्समैन को ही ज़्यादा प्रेफर करता। आई वुड प्रेफर कि 3-4 लड़के जो हैं, अगर मुझे 24, 25, 30 जो भी हमारा आजकल अब जो उसका मिनिमम है, 28 28, अगर 28 का हमारा टारगेट है, अगर मुझे 3 या 4 लड़के 28 कर जाएं तो आई वुड प्रेफर दैट। और अगर मेरे पास इवन पार्ट टाइमर्स भी हों जी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है सुपर एट में कि या तो बॉल बीट कराने की ज़रूरत होती है या तो विकेटों के अंदर कराने की ज़रूरत होती है बॉल। सही जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारे मिलियन डॉलर मैन सनी की, चलें खुश होने के लिए सही है ना, हम अपने जी हम भी तो खुश हैं ना कि हमारे भी कोई बंदा इतना सही महंगा बिका है। तो हिस्ट्री क्रिएट किया उसकी उन्होंने सुबह हाँ की। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बात तो फिर करनी चाहिए ना। वो क्या कहते हैं, अक्सर कहा जाता है, कहते हैं कि जब आप मशहूर होते हो तभी लोग आपके बारे में बातें करते हैं। बिल्कुल तो ये तो फिर पार्ट एंड पार्सल है। तो मैं सनी की बात कर रहा था कि मैं सनी के मैचेस अक्सर देखे हैं, खुद खेला भी है। जी जनरली सनी जो है वो विकेट टेकिंग बॉलिंग है, बॉलर है, लेकिन वो जनरली विकेट्स उसकी जो निकलती हैं वो कैचेस पे निकलती हैं, जी और कैचिंग करने के लिए आपको 9 लड़के चाहिए फील्ड में। अगर मैं कैप्टन हूँ तो और मुझे पता हो कि मेरे पास सिर्फ 6 लड़के या 5 या 7 होंगे फील्ड में, कुछ यानी बड़े गैप्स होंगे, तो आई वुड प्रेफर कि समबडी के जो LBW कर सकता है या डॉट बॉल कर सकता है या स्कोर रोक सकता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग विकेट्स। सही। बाकी अच्छा, जी अगर आपको ऑप्शन दी जाती नुमान अहमद, अबू बकर आजम भट्ट और फिर उसके अलावा नवीद खान, तो आप किसको पिक करते? यह टफ क्वेश्चन है। जी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन में अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं दो लोगों को, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अबू बकर आजम को नहीं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ओके okay. बाकी दो जो हैं वो बहुत बेहतर बॉलर हैं उससे। और अगर इस चल, टाइम पे देखा जाए अब तो आजम भट्ट की जगह हम उसामा भट्ट कर। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर हमें ये तीन हमें ऑप्शन मिले तो फिर उसमें से हम क्या चूज करें। आई थिंक अगर इस टाइम पे देखा जाए तो जिस तरह की फॉर्म चल रही है, मैं देख रहा था कि उसामा काफ़ी स्कोर कर रहा है काफ़ी देर से, नवीद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, नुमान हामिद सुना आजकल इंजरी विंजरी लेके चल रहे हैं कुछ कुछ देर से जो है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर हो। लेकिन अगर मुझे आप कहेंगे कोई एक लड़का इनमें से पिक करने के लिए, तो शायद मैं फिटनेस वाइज जो है देख के उसामा को पिक कर लूँ ओवर नवीद और नवान हामिद। सही। अच्छा, तो अभी आपका फेवरेट प्लेयर, आपने नहीं बताया कि फेवरेट प्लेयर इस सुपर एट में कौन है और कौन सी टीम के चांसेस ज्यादा यार मैं देख रहा था टीमें, मेरे पास बल्कि यहाँ पर ही खुली हुई थी, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको भी बता देता जी हूँ। जी मैं आज ही देख रहा था टीम्स, ये है अपनी, हाँ मैं कह रहा था कि मेरे पास जो टॉप 2 मेरे हिसाब से जो आएंगी ना टीमें, जी एक होनी चाहिए जोहेब की, नहीं यार जोहेब ने तो बहुत खर्चा कर दिया जोहेब को यार ले लेना चाहिए टॉप में यार, अब तो है यार, मैंने डिसाइड किया था कौन सी, हाँ बेस एक्चुअली ना ये जोहेब की टीम जो है वो ड्रैगन्स है ना, जी ड्रैगन और इन्होंने ही जो है वो सनी को लिया है। जी हाँ इनकी टीम काफी अच्छी बैलेंस्ड है, मेरे हिसाब से एक फाइनलिस्ट जो है वो ड्रैगन्स को होना चाहिए ओके okay. और दूसरा फाइनलिस्ट अगर मैं आपको बताऊं मैंने किसको चुना जैन था की टीम अपने, है हॉक्स और फैसल बिन कयूम की टीम है टाइटंस, अब्दुल कयूम की टीम है पैंथर्स और समद खान की टीम है असैसिन्स। अच्छा जो जो
कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका मुझे अभी नहीं पता, आई डोंट नो फिर मेरा अंदाजा कितना अच्छा है या कितना बुरा है। एक नहीं मैंने आपको जैसे बताया ये देखें ड्रैगन्स, एक तो ड्रैगन्स आएगी फॉर श्योर आप मेरे हिसाब से, जी, और दूसरा क्योंकि मेरे उसमें हिसाब से ऐसा जो रिया है जी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले फाइनलिस्ट बताता हूँ। मेरे हिसाब से फाइनलिस्ट एक तो जोहेब की टीम होनी चाहिए ड्रैगन्स, ओके और एक ओके समझ ठीक भाई की टीम होनी चाहिए। है असैसिन ओके हाँ ये तो असैसिन्स और ड्रैगन्स का मेरे हिसाब से जो है वो फाइनल होना चाहिए। सही। अच्छा इन दोनों की टीमों की कोई खास वजह, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि अभी उस पे ड्रैगन्स पे तो मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, तो ड्रैगन्स की टीम है तो काफी बैलेंस, लेकिन अब जी उनके लिए ये भी तो इशू होगा कि कौन से, अगर वो सुपर सब भी करते हैं तो मैक्सिमम 9 प्लेयर्स वो खिला सकते हैं, तीन जी को तो बिल्कुल उन्हें बैठाना पड़ेगा। तो शहामा की जो विकेट है वो स्पिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा साजगार है, हाँ वहां जी पे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इतने कामयाब नहीं है जितने स्पिनर्स हैं, तो जोहेब जी की टीम में तो इतने स्पिनर्स नहीं है। फैज़ भाई, मैं बैक टू जो मैं बात आपको कर रहा था कि क्या जी एडवांटेज होती है एक प्रॉपर बॉलर ना पिक करने की, या एक चाइना मैन कह लें या एक ऐसा लड़का जो खाली हाथ घुमा सकता है। अभी आप देखें जैसे शामा जी की विकेट है, क्योंकि मैंने पर्सनली आपको बताया मेरे जाने के बाद वो बनी थी विकेट, लेकिन मैंने मैचेस देखे जी हैं, लोगों के कमेंट्स देखे हैं उस पर, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो विकेट बैटिंग पिच नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा, आपने तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मैच खेले भी होंगे उसके ऊपर। तो इसमें देखें फ़ायदा क्या है इनके पास, ऑल दो अगर आप देखें इनके पास जो है वो आमिर है, अच्छा बॉलर है, उस्मान सनी अपना है, मिलियन डॉलर मैन है हमारा, फिर हमज़ा है इनके पास लेकिन इनको एडवांटेज पता है किधर आएगा कि अगर ये तीन इनके पास एक अच्छे बॉलर हैं पहले से ही, इन जी तीनों के अलावा इनके पास जितने भी लड़के हैं ना वो सब कह लें कि सिर्फ हाथ घुमा सकते हैं, सही ठीक है ना। इनको एडवांटेज इसकी बहुत रहेगी कि ये लोग जो हैं वो पिच को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, पिच से एडवांटेज दे सकते हैं। सही। तो मेरा मेरा ये अच्छा अंदाज़ा है कि इनको इनको फ़ायदा होना चाहिए। टाइटंस में अभी जब लास्ट सुपर एट में हमजा हमारी टीम में थे तो बिलाल भाई ने उसे एज ए बैट्समैन इस्तेमाल किया था बॉलिंग में, एक मैच में उसने बॉलिंग की थी लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था, तो आप क्या समझते हैं कि उसे एज ए बॉलर भी यूज करना चाहिए या सिर्फ एज ए पिंच हिटर के तौर पे भेजना चाहिए? यार हमजा काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है, वो दोनों काम बड़े अच्छे भी कर सकता है और बड़े बुरे भी साबित हो सकते हैं मैं तो माशाल्लाह बड़ा वाकिफ़ हूँ हमजा की जो है फील्डिंग से, तो जी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं उन लोगों में से हूँ जो लोगों को फील्डिंग पे जज करते हैं सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ उनकी बॉलिंग बैटिंग, फील्डिंग और फिटनेस पे। तो फिटनेस तो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन फील्डिंग पे आई डोंट नो, पता नहीं अब कुछ बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन हमजा को डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा कि आप अगर उसको एज ए पिंच हिटर भी यूज़ करते हैं तब भी आपके पास एक बैकअप हमेशा रहेगा, कि आपको पता होगा कि यार अगर इन केस जी आपका जो चाइना मैन आप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप कोई ऐसा मामला कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि यार अब मुझे जो एक प्रॉपर बॉलर की ज़रूरत है, तो आपके पास हमजा में एक बड़ा अच्छा पेसर और एक बैकअप बड़ा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ही इज़ अ गुड पिक, जिसने भी पिक किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमजा के साथ जो है ये है कि थोड़ा सा उसको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है कि क्या सूरत हाल है और सही किस तरह की बॉलिंग अभी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा वो उसको फोकस कर लें उसके ऊपर, तो ही इज़ एन एसेट फॉर एनी टीम। सही। अच्छा फैसुद्दीन क्यूम की टीम जो टाइटंस है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें भी दो तीन शीटर शामिल, खान है, इम्तियाज अफरीदी है, इसके अलावा अब्दुल रहीम है, वो बहुत अच्छा फील्डर है, तो उन्हें किस हद तक आप देखते हैं कि क्या उन लोगों ने ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा ले लिए हैं टीम में या वो बैलेंस टीम है? यार आई थिंक फेयर है, लेकिन मुझे क्यों पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनकी टीम में स्टार परफॉर्मर्स हैं इनके पास, यानी इनके पास दो या तीन लड़के ऐसे हैं जिन पे ये डिपेंड करेंगे कि इन तीन को या चार को जो है हर मैच में स्कोर करने की ज़रूरत है, और अगर वो नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि इतना आगे ना जा पाए वो टूर्नामेंट में। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है एडीसीएल सुपर एट में? वैसे ही आमतौर पे जो लड़के प्लेटिनम में
अपनी जगह बना लेते हैं सुपर एट आते आते तक, जनरली वो सभी बड़े अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं। तो जो भी टॉप में लड़के प्लेटिनम में है इस टाइम पे, मैं तो कहूँगा सारे ही जो है मुझे पसंद है। इनफैक्ट मैं, मेरी उस्मान से कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, मैं उसको कह रहा था यार मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमारे पास इतने सारे लड़के जो हैं अब खेल रहे हैं। तो मैं कभी भी जो है किसी एक का नाम कोशिश करता हूँ कि ना लूँ, बेहतर यही होता है कि सबको साथ लेकर चलें हमेशा। सही। अच्छा ये बताइएगा कि अगर ADCL के प्लेयर्स को मुख्तलिफ नाम देने पड़े तो ADCL का गब्बर किसे बोलेंगे आप? गब्बर ये तो बड़ा 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 मुश्किल सवाल है, लेकिन गब्बर तो पूरे सीरियल में एक ही है सिर्फ, जो हमारे बिग बॉस है। अच्छा तो बिग बॉस, फिर बिग बॉस किसे बोलेंगे? बिग बॉस हम अपने उस्मान भाई को बोलेंगे, गब्बर उनको। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे फिर मैं जो हूं उनका सांबा फिर हूं। अच्छा अच्छा ये बताइएगा कि इतना अरसा आप खेले हैं, किसी ऐसे प्लेयर को आउट करने का मजा आया हो कि जिसकी विकेट लेने का आपने सोचा हाँ यार इसे आउट किया है ना तो वाकई मेरी बॉलिंग अच्छी है? यार कभी मैंने इस तरह सोचा नहीं कि माशाल्लाह हमारे पास प्लेयर्स हमेशा से अच्छे रहे हैं, ग्रूम अच्छा होते रहे हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं। तो हमेशा ये देखा है मैंने कि जनरली मेरी बॉलिंग आने तक या जब मैं सोचता हूँ कि अब मुझे आना चाहिए, हमारे प्लेयर्स अक्सर ये निकाल लेते हैं जो है अच्छी विकेट्स होती हैं। लेकिन फिर भी मतलब जैसे एक मुझे याद है हमारा मैच था ADCB के खिलाफ, उसमें हमारे शादाब भाई खेल रहे थे ऑपोजिशन में, तो वो उस टाइम पे मैं स्पिन कर रहा था, ऑफ स्पिन कर रहा था, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें मारूंगा। मैं बोला शादाब भाई आप बड़े हैं, आप बेशक मारें, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इधर ही हाजिर हैं। उनको मैंने शायद उनको भी याद ना हो, लेकिन उनको 2-3 बॉल मैंने बीट कराई थी और तीसरी चौथी बॉल पे उनको मैंने आउट कर दिया था, तो वो बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम पे। सही। अच्छा क्या ADCL बहुत जल्द कोई अपनी लीग स्टार्ट करने का इरादा रखती है कि जिसमें दूसरी बाहर की टीमें भी शामिल हों और ADCL की अपनी चार टीमें भी शामिल हों, जस्ट लाइक DSL या इस तरह की कोई लीग? फैज़ भाई मेरे हिसाब से आई थिंक हमें करना चाहिए, जिस तरह की चार टीमें आपके पास हैं और इवन आप देखें ना कि अगर आप चार टीमें खिलाते हैं, आपके पास 100 के करीब लड़का है अभी इस टाइम पे आपके ग्रुप में, और उसमें से अगर चार टीमें भी खेलती हैं तो चार टीमों का मतलब है कि मुश्किल से बमुश्किल 50 लोग जो हैं वो इंगेज होंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक द नेक्स्ट बिग स्टेप जो है वो हमारा ये हो सकता है ADCL का, कि एक ऐसी लीग बन जाए जिसमें हमारी चार टीमें तो एंगेज रहें। आप इवन देखें कि अगर अवेलेबिलिटी और जो बाकी इश्यूज हैं अगर क्लियर हो जाएं तो आप 4 से ज़्यादा भी खिला सकते हैं एक ही उसमें, जैसे कि आपने खुद कहा कि 100 के करीब जो है वो लड़के बंदे हैं आपके पास, प्लेयर्स हैं आपके पास, तो 4 का मतलब तो वही है कि 50 लोग आपके पास, 50 लोग फिर भी जो है वो हर टाइम पे जो है वो फ्री होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा स्टेप होएगा, ऑल्दो बहुत मेजर स्टेप होएगा, इसमें बहुत सारे लोगों की सपोर्ट भी चाहिए होगी। जिस तरह समझ लें कि अगर वॉम्बैट्स दुबई का लीग चैंपियन है तो फिर ये है कि अबू धाबी में ADCL एक स्टेप ले सकती है, और ADCL जो है वो मशहूर हो कि भाई अगर अबू धाबी में कुछ लीग है तो वो ADCL जो है करवाती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होएगा ऐसा। सही। अच्छा ADCL का सबसे मेन इशू क्या है इस वक्त जिसे हैंडल करने में ADCL की, क्योंकि आप कौंसिल का भी हिस्सा है तो जिसे हैंडल करने में ना प्रॉब्लम आ रही हो? फैज भाई शुरू से लेके अभी तक जो है मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स जो है एक इशू रहा है हमारा, ये यानी मैं बैक एंड पे जो है क्रिकेट की बैक एंड रहा है कि लोग स्टेबल नहीं हो पाए। अगर आपका चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं जगह जगह जो है वो
व्यूज, तो अगर आप ये वीडियो पब्लिश करेंगे तो ये है कि मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँ कि अगर जो है कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो 100 बिस्मिल्ला। तो अच्छा बिहाइंड द सीन जो वैसे है वो जी एक वो है हमें। सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर जो है वो कुछ एडवांटेज देखते हैं तो फिर वो स्पॉन्सर करते हैं। तो अगर वो एडीसीएल को स्पॉन्सर करना चाहें तो उन्हें कौन सा मेजर एडवांटेज है जो वो मिलेगा? देखें, एक बात तो ये कि एक टाइम था जब हम स्टार्टिंग में थे कि हम लोग ना कोई टूर्नामेंट जीतते थे, जो कि हर टीम के साथ एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आप इनिशियल जब जी टीम शुरू करते हैं और आप यानी यंग और ग्रूमिंग लड़कों के साथ जो है जो सीखना चाहते हैं उनसे शुरू करते हैं, तो आप कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप पहले मैच से ही जो है जीतना शुरू करते हैं। तो ऑफकोर्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम जीतना शुरू, अब यूँ के अब एडीसीएल एक फोर्स बन चुकी है। आप देखें अगर आपके सामने इवन दुबई तक अगर डीएसएल में भी एडीसीएल ने खेला है तो कोई वजह है कि वहां तक हमारी बात पहुंची है कि यार एक टीम है ऐसी है, एक क्लब है बल्कि जो कि जी इतना कैपेबल है कि इस लेवल पे जो है खेल सकता है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से, चलें वो जैसे भी मैनेज हो रहा है जितने भी टफ सिचुएशन है, लेकिन आप देखें कि एज कम्पेयर टू अ टीम या एक ऐसी टीम जिसमें 12-15 लड़के खेलते हैं, एक अगर मैं एज ए स्पॉन्सर हूँ मैं सबसे पहली चीज़ देखता हूँ कि मुझे एक्सपोजर क्या मिलता है। आप देखें एक्सपोजर एज कम्पेयर टू दूसरी टीम जिनको 12-15-20 लड़के हैं जिनके पास, बेसिकली आप 20 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू जी एडीसीएल आप देखें 100 बंदा आपके पास जो है वो वहाँ पर है, 100 बंदे का मतलब है कि पीछे उसकी फैमिलीज हैं, उसके दोस्त हैं, तो बेसिकली आपको ये बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि और आप देखें जगह जगह से हैं लड़के हमारे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही जगह पे रहते हैं या एक ही कैंप में रहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई कोई मुसफ़ा में है, कोई सिटी में है, कोई कॉर्निश में है, कोई रीम आइलैंड पे है, कोई कहीं जगह जगह पे यानी फैले हुए हैं, तो एक ही एक्सपोजर हमेशा रहता है आपको। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कंपनी आती है जो अप्रोच करती है या कोई भी इवन बंदा अपनी प्रोडक्ट भी अप्रोच करना चाहता है, जिसको मार्केटिंग करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अबू धाबी में खासतौर पर, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, अबू धाबी के बाहर जी आना जाना नहीं है, तो अगर आप सिर्फ अबू धाबी टारगेट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रीच है आपकी, और क्या कहते हैं कम पैसों में ज़्यादा रीच आपको जो है वो मिल सकती है। और अब तो एडीसीएल जो है सही वो दुबई तक भी जाते हैं, डीएसएल में भी खेलते हैं, डीएसएल का आपको पता है नाम तकरीबन ग्लोबली अब जो जाता है न्यूज़ में भी आ चुका जी है डीएसएल के बारे में, तो ऑफ कोर्स एक्सपोजर तो हमेशा है और बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है, मार्केटिंग भी जो है बहुत अच्छी मिलेगी किसी भी कंपनी को। सही। हमारे जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो कंड यार मैसेज जो है ना पिछले 8-9 सालों से आज तक एक ही मैसेज है कि मेहनत करें और कभी ये ना सोचें कि यार मुझे बारी मिल रही है कि नहीं मिल रही, मुझे 4 ओवर अपने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मुझे पहले 4 में बैटिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप यकीन माने मैं इनिशियली जब खेल रहा था ना मेरा भाई मेरे साथ खेलता था, ये काफ़ी सारे लोग आपको ये बता सकते हैं, मेरा छोटा भाई मेरे साथ खेलता था, 2 साल वो हमारे साथ नेट्स पे आता रहा है वो, लेकिन 2 साल में जी मैंने एक बिल्कुल बार भी किसी से कभी बात नहीं की कि यार इसको टीम में ले लो या इसको चांस दे दो। मुझे बड़ी दफ़ा लड़कों ने बोला भी कि यार तुम अपने भाई को पुश क्यों नहीं करते, मैंने बोला यार जो कैप्टन है जो ऑर्गेनाइजर है जिसकी टीम है जब उसको लगेगा कि इसको लेना चाहिए तो डेफिनेटली, अगर उसकी किस्मत है तो डेफिनेटली मौका मिलेगा, लेकिन बात सारी यही है कि सही आप मेहनत करते रहें, मेहनत डेफिनेटली नजर आएगी, आप हिम्मत करें कोशिश करें डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। सही। थैंक यू सो मच बिलाल भाई के आपने इतना की टाइम दिया और हमारे साथ एडीसीएल के बारे में बातें वो खुलकर शेयर की। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल बहुत रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।